MID भी दी हुई है, तो गाइज ये काफी ज्यादा। हे गाइज वेलकम बैक टू माई अनदर न्यू वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो में जो टॉपिक रहने वाला है एक्टिवा 125 cc, मतलब ये बता दूँ 2017 मॉडल है। इससे पहले मैं अभी जल्दी से इसके बाद या इसके पहले एक एवरेज की वीडियो डालूंगा इसकी, वो भी आप ज़रूर देखना, उसमें आपको एवरेज का पता लग जाएगा। तो अब इसमें हम वीडियो क्यों बना रहे, देखो पहले मैंने इसका रिव्यू करा था, वो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, एक बार ज़रूर देखना। ये हम वीडियो बना रहे हैं इसके, मैं पाँच आपको ऐसे पॉइंट बताऊँगा जो आज भी ये स्कूटी नई वाली स्कूटियों से अच्छी है, BS6 से भी अगर कंपैरिजन करूँ उन चीज़ों में भी अच्छी है। मतलब मैं प्रॉपर कंपैरिजन नहीं कर रहा, बट इसके हाँ पॉइंट्स बताऊंगा जो इसके मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो पहले पॉइंट की तरफ अगर मैं बता दूं, देखो इसकी लुक, अगर मैं लुक बता दूं, जब 125 cc स्कूटीज आती थी तो उस टाइम में आपने देखा होगा एक्टिवा में बिल्कुल ज़्यादा पिकअप वगैरह नहीं होता था, ज़्यादा कुछ नहीं होता था, और ज़्यादा बॉडी भी अच्छी नहीं होती थी। मतलब लुक्स में जब एक्टिवा 125 आई ये वाली, इसमें एलॉय नहीं है, इसमें ऑप्शन आता था एलॉय का, लेकिन जब ये वाली आई तो इसका लुक पहली वाली स्कूटी से अच्छा था। जैसे आप अगर एक्टिवा 110 देखोगे, एविएटर देखोगे, उनसे इन्होंने काफ़ी अच्छा लुक अच्छा निकाला था। एक एक्टिवा 125 तो थी लेकिन लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अगर मैं लुक्स की बात करूँ तो देखो इसमें काफ़ी बल्की बॉडी दी गई थी, पीछे से आपको देखना काफ़ी बल्की लगती थी, लाइट भी अच्छी थी, लगती 110 सीसी की तरह थी, लेकिन कहीं कहीं छोटे छोटे पॉइंट जैसे मीटर स्पेस आगे से बढ़ा रही, डिग्गी बूट स्पेस ज़्यादा करती है, वो चीज़ें इसकी ज़्यादा अच्छी हो गई थी। तो हाँ लुक्स में हम बता सकते हैं ये पहले से ज़्यादा बेहतरीन है। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ, पिकअप। तो गाइस देखो जो 110 सीसी आती थी उससे मैं कंपैरिजन तो नहीं कर सकता था, लेकिन हाँ अगर मैं 125 सीसी से भी इसका कंपैरिजन करूँ तो इसका पिकअप ज़्यादा अच्छा कहलाता है। इसका पिकअप मेरे को पहले से ज़्यादा अच्छा लगा। एक चीज़ अगर बता दूँ, एंटोर्क को छोड़ के एंटोर्क का पिकअप ज़्यादा अच्छा है 125 सीसी के हिसाब से, लेकिन इसका भी अपने हिसाब से जब ये 2017 में आई थी, 2016 या 17 में आई थी, इसका पिकअप काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन था उस टाइम पे 125 सीसी में। यही आ रही थी और भी ऑप्शन आ रहे थे लेकिन वो इतने बेहतरीन नहीं थे। जगह अगर बता दूँ SS125 आती है उससे ज़्यादा इसका पिकअप अच्छा था। तो एक बार मैं आपको थोड़ा पिकअप वगैरह दिखाता हूँ स्टैंड पर लगा के कैसे खींचती है। तो गाइस अब इसका मैं आपको पिकअप दिखाता हूँ, स्टार्ट करके दिखाता हूँ एक बार। तो गाइस अब देखो रेस देखे कितनी जल्दी खींचती है गाइस, ये देखो। तो गाइस ये पिकअप आपको दिखाने का यही रीज़न था कि पिकअप इसका आज भी उतना ही बेहतरीन है, और ये 15,000 में ऑलरेडी चला चुका हूँ, पूरे 15 नहीं हुए, लेकिन हाँ पिकअप वाइज ये अब भी अच्छी है और अच्छी खासी है। तो गाइस थर्ड पॉइंट अगर मैं इसकी आपको एवरेज का बता दूँ, एक जो सबसे अच्छी लगती है मेरे को जो 110 सीसी एक्टिव है, वो मेरे भैया की है 2016, सेम मॉडल, ये आसपास रहने वाला है, एक साल ऊपर नीचे रहने वाला है। मैंने अगर मैं बता दूं, मैंने इसमें 275 का पेट्रोल डलवाया था, 275 के पेट्रोल में मैंने इसको खींची है, मतलब इसको मैं ज़्यादातर 80-60-70 के स्पीड पर रखता हूँ, इसने फिर भी मेरे को एवरेज दिया 275 के 122 किलोमीटर चला दी। और वही जो मेरे भैया की 110 सीसी है वो 275 में 100 किलोमीटर से भी नीचे चली थी। वो मैंने ऐसे हिसाब तो नहीं लगाया प्रॉपर, लेकिन हाँ एक अंदाजे के थ्रू ये काफ़ी ज़्यादा उससे बेहतर रिस्पांस दिया था। तो ये तो एक एग्जांपल हो गया। और अगर इसके आपको एवरेज की वीडियो भी अगर प्रॉपर बता दूँ तो यार देखो, वो आपने इससे पहले वाली वीडियो मैंने इसकी एवरेज की डाली है, इससे जो पहली वीडियो होगी वो एवरेज की डाली है, आप वो देखना, उसमें आप देखना इसमें कितनी अच्छी एवरेज निकाल के दी है, उसमें आपको सरप्राइज़ मिलेगा। और उसमें काफ़ी मैंने पॉइंट्स भी बताए कि इसके क्या डिसएडवांटेज है क्या एडवांटेज है, वो सारे इसके एवरेज के पॉइंट आपको दिखेंगे। तो थर्ड पॉइंट अगर मैं बता दूं तो एवरेज में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस देती है। अंदाज़ा बता दूं तो ये 50 से नीचे 45 से ऊपर है लगा लो, और उसको भी मैंने खींच के चलाया, स्लो नहीं चलाया। आप वीडियो देखना आपको काफ़ी ज़्यादा पता लगेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो गाइज़ अगर मैं इसकी आपको मेंटेनेंस बता दूं, इसकी मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। देखो अगर मैं मेंटेनेंस बता दूं, मुझे लोगों का नहीं पता, मैं अपनी स्कूटी की 500 से 600 के अंदर पूरी अपनी कर लेता हूं सर्विस, करवा देता हूं बाहर से जो मेरे यहां लोकल मैकेनिक है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी सर्विस करके देते हैं, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता। और मैं सही बताऊं तो मैंने जो अभी इससे पहले सर्विस करवाई, साल बाद सर्विस करवाई थी, उसमें इसका इंजन ऑयल भी चेंज हुआ था, इसका गियर ऑयल वगैरह सब चेंज हुआ था, प्लग चेंज हुआ था, फिर भी मेरी इसमें उसमें मतलब सारी चीज़ें चेंज करवा के भी 600 का खर्चा आया था। इतनी सारी चीज़ें चेंज करवा के भी बस 600 का खर्चा, तो देख लो मेंटेनेंस वाइज ये काफ़ी ज़्यादा चीप है। मतलब जो 110 सीसी की पड़ती है वही आपको 125 की पड़ती है, और एवरेज भी 110 सीसी से ज़्यादा दे रही है। तो भाई ये ऑप्शन अच्छा रहेगा स्कूटी लेने में। तो भाई इसका जो लास्ट पॉइंट रहने वाला है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये छोटा सा पॉइंट है लेकिन देखो अगर मैं आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाऊँ एक बार, देखो आके। तो गाइस इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखो, जब मैं इसकी चाबी ऑन करता हूँ, लाइट ऑन करता हूँ, तो देखो कितनी सुई ऊपर उठ के जाती है, और ये पूरी इसमें छोटी MID भी दी हुई है।
तो गाइज ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है इसमें। मैं रात का इसको लुक दिखाऊंगा, एक बार रात का लुक देखना। तो जब 125 सीसी की आती थी उन्होंने इसमें ये नई चीज़ कर दी, मीटर चेंज करके इसमें वो दे दी थी MID, जिससे अच्छी लगे, डिस्प्ले दे दी थी जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती थी। इसमें ऑरेंज लाइट लगती थी, जो आजकल की BS6 आ रही है उसमें वाइट आ रही है, लेकिन इसमें ऑरेंज आती थी। तो अगर आप 110 सीसी का मीटर देखोगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ज़्यादा बेकार लगता है, लेकिन इसका देखोगे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और BS6 वाली का ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं बताऊँ तो एंटोर का आप देखोगे इतना सिंपल सा ब्लैक एंड वाइट, मुझे पर्सनली वो पसंद नहीं है, लेकिन इसका इसमें देखो आपको एक तो इसमें वो मिल जाएगा एनालॉग वाला भी मिल जाएगा और ये डिस्प्ले वाला, तो ये काफ़ी अच्छी है। और BS6 में तो वाइट लाइट है वो और ज़्यादा अच्छी है। तो हाँ ये छोटा सा पॉइंट है, ये भी अच्छा है। गाइस आप मेरे को कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। अगर आपको ऐसे पे और वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना। तो वीडियो एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, 20K सब्सक्राइबर जल्दी कराओ। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।